Hey guys, good evening and welcome to Study for Exam. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So ये series अब end होने वाली है. Only two videos are left. So जैसा कि हमने antonyms, synonyms, one-word substitution and idiom phrases को discuss किया हुआ है. So अभी ये series में ये last video है. अब अगर आपको बहुत कुछ चाहिए then आप comment करिए, associate हुई है, share कीजिए लोगों के साथ. अगर ज़्यादा डिमांड आती है देन डेफिनेटली हम सेपरेटली सीरीज स्टार्ट करेंगे, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट स्टार्ट एंड हम आगे आते हैं. बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हो हमारे साथ जुड़ करके. तो ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए. दीज टेलीग्राम चैनल्स आर डेडिकेटेड टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, लाइक सिविल सर्विसेज, IAS, SSC, ज्ञान एंड UPPSC, पुलिस एग्जाम एंड अदर लाइक रेलवे. हमारा एक चैनल भी है लाइक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. आप इस चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करिए. यहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं एंड ये टोटली डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, लाइक UPPSC, MPPSC, BPSC एंड एन ऑल. तो ये आप जुड़े रहिए, आप बहुत कुछ यहाँ से गेन कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो. यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन होगी, तो मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपका रिटेन भी होगा. ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो चलिए हम आगे आते हैं और अब हम मीडियम्स को डिस्कस करेंगे. सी, जैसा आपने पिछले दो तीन वीडियोस देखे होंगे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे बिलीव करता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं. आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे पिछले, मैं हर बार कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑल एंड ऑल. ओके, सो 161 पे आ चुके हैं. टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन. अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि idiom सेपरेट मीनिंग नहीं देते हैं, ये एक साथ जुड़ते हैं और कुछ नया मीनिंग दे देते हैं. ठीक है, सो टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, इट मीन्स अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रीजनेबल. तो मतलब आप प्रूव करने में, एक्सप्लेन करने में अनेबल हो, सक्षम नहीं हो कि कोई चीज़ रीजनेबल क्यों है, क्यों होनी चाहिए. जैसे कि मान लो कि आप एक जीन्स लेने जाते हो और उसकी कॉस्ट उसने बता दी 5,000 रुपीज. ठीक है, अब यार ऑफ कोर्स 5,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. अब वो बताने लगे कि इसमें ये कपड़ा अच्छा है, वो कपड़ा अच्छा है, तो हमें ऐसा नहीं समझ आएगा ना भाई, कुछ तो उसमें बताओ ऐसा कि मुझे लगे कि हाँ 5,000 रुपीज इज सफिशियंट. ओके, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर idiom फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग्स. कैसे बताया ना, ऐसी कोई चीज जिसको आप प्रूव ना कर पाओ कि भाई ये रीजनेबल क्यों है. सपोज करो आपके ऊपर एक केस लगता है, ठीक है, और वो केस में आपकी गलती थी, अब आप कोर्ट ले जाया गया तो क्या होगा. तो आप एक सिंपल सा एक सेंटेंस बना करके देख सकते हैं, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ. ठीक है, पक्का. तो चलिए हम आगे आते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया. सेंटेंस आपको बनाना है इसका, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है सेंटेंस कैसे बनते हैं. चलिए हम आगे आ जाते हैं और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अ मैन इन द स्ट्रीट, तो एन ऑर्डिनरी पर्सन और कॉमन मैन, आम आदमी. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट. तो लाइक दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज अ मैन इन द स्ट्रीट. ओके, सो इज अ कॉमन मैन. तो लाइक इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. कॉमन मैन कौन होता है भाई, एक मिडिल क्लास पर्सन जिसके पास ना ज्यादा पावर होती है, मतलब होती ही नहीं है समझ लो, ऐसी कोई बहुत बड़े पैसा भी नहीं होता है, सो उसे कॉमन मैन बोला जाता है. जिसका जिसके पास राइट्स तो है बट अभी उसके पूरे राइट्स को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ये मैटर करता है, तो हम इसे कॉमन मैन में रखते हैं. सो मैन इन द स्ट्रीट आपको क्लियर हो गया होगा. तो ऐसे 2005 में आया था. चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. 163 पे आ रहे हैं, ब्लड रनिंग कोल्ड. अब इसको अगर तुम समझोगे ना तो तुरंत समझ आएगा कि मतलब एक तो ब्लड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा वगैरह की बात करी जा रही है क्योंकि आगे रन भी लगा है. देखो ये कॉमन सेंस होता है, ये आता कैसे है आप सोचोगे, यार आप तो बोल देते हो कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट एक्चुअली वेरी कॉमन. सो हाउ इट कम्स, यू हैव टू रीड अ लॉट, प्लीज रीड 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 एंड रीड, लाइक एज मच एज यू रीड यू विल गेट द सेंस ऑफ द वर्ड और idiom. ओके, सो ब्लड रनिंग कोल्ड मीन्स होता है बिकम वेरी फ्राइटन, इज दैट अंडरस्टूड. अभी आप एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ब्लड है और ये रनिंग है, रनिंग एज अ वर्ब है, तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा कि एक अगर मान लो कि एक पास में बात चली जाती है तो हो सकता है कि ये रन बन जाए. जैसे मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ था कि ये चीज़ों का ध्यान देखना पड़ता है कि वो कैसे जा रही है, बिकॉज वे नाउन के हिसाब से लगता है, टेंस के हिसाब से लगता है. तो बिकम वेरी फ्राइटेन का मतलब क्या होता है कि डर जाना, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाना, तब हम बोलते हैं.
चलिए हम आगे आते हैं एंड नेक्स्ट इडियम को डिस्कस करते हैं भाई। वीडियो लाइक करते चलो, कमेंट जरूर करो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बिकॉज ये मोटिवेट करता है टू मेक नंबर ऑफ वीडियो। सो प्लेइंग टू द गैलरी, व्हाट डज इट मीन? सो बी फूलिंग द कॉमन मैन, ठीक है? तो लाइक जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जैसे मैंने बताया ना, मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन। सो बी फूलिंग मतलब, बी फूल क्या होता है? फूल तो आपको पता है कि मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ओके, अब ये भाई बी फूल क्या है? ये कौन सी बला आ गई कि मतलब कुछ नया मीनिंग दे देता है क्या? सोचो जरा कैसा होता है। इतने सारे रूट वर्ड्स आपको समझाए हुए हैं मैंने, तो क्या ये क्या है? सोचो थोड़ा सा भाई, आ जाएगा। इतना बड़ी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है? सीधी सी बात है, मतलब सीधी सी बात है कि बेवकूफ बनाओ और क्या, कॉमन आदमी को बेवकूफ बनाना, ठीक है? और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, सो टू डिस्परेज समवन, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप लोगों को। प्लेइंग टू द गैलरी का मीनिंग क्या होता है? वो होता है आपका बी फूलिंग द कॉमन मैन। चलिए हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। 165 है कम आउट ऑफ वन सेल। अभी ये क्या है कम आउट ऑफ वन सेल? मतलब प्रकट हो जाना, टू अपीयर सडनली। जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि क्या करते थे भाई? बाहर आ जाते थे एकदम से, कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो आप ऐसा बोल सकते हो, नारद मुनि केम आउट ऑफ हिज शेल। अब आपको कहोगे यहाँ पे वन लगा है आपने, यहाँ पे हिज को यूज कर दिया, हाउ इज इट पॉसिबल? तो सर नारद कौन है आप बताओ, कौन है? सोचो भाई उनका जेंडर क्या है? मेल है ना? जब मेल है तो या उसके हिसाब से मैं हिस्सों करूंगा। अब नारद की जगह मैं लक्ष्मी लगा दूं तो क्या होगा? सोचो, ऑफ कोर्स हर हो जाएगा ना, मुझे नाउन के हिसाब से लगाना पड़ता है बिकॉज ये जो वन होता है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। जब जेंडर स्पेसिफिक हो गया तो मुझे हिज और हर को लगाना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखनी चाहिए। कमेंट करो अगर फिर भी कोई डाउट है, हम वहां पे भी उसको डिस्कस करेंगे। चलिए 166 में आ चुके हैं। अब इसका क्या है, कौन सा एरिया में इसको समझते हैं। ले डाउन आर्म्स, ओके? व्हाट डज इट मीन ले डाउन आर्म्स? इट मीन्स टू सरेंडर, ठीक है? सो आप सरेंडर मीन्स क्या होता है? मतलब आप अपने हथियार डाल देना, ठीक है ना? हथियार डाल देना, घुटनों में झुक जाना, ये होता है। आप कह सकते हो कि टेररिस्ट ले डाउन आर्म्स, और ले डाउन हो गया तो आप इसको हिज कर दो, आर्म के पहले हिज लगा दो, ले डाउन हिज आर्म्स, ठीक है ना? तो अपने हथियार गिरा दिए, पुलिस के हवाले कर दिए, घुटनों में आ गए, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप इडियम को एग्जैक्टली वैसा लगा दो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता, हम इसको कॉन्टेक्चुअली चलाते हैं, हम इसको टोन के हिसाब से चलाते हैं, हम इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि भाई ये कहाँ पे बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। समटाइम्स सार्कास में भी यूज हो जाता है, जैसे अब जोक्स वगैरह चल रहे हो तो वहां पे ले ले डाउन आर्म्स आप बोल दो, तो फिर भाई वो फिर मजाक मस्ती में चला जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए आगे आते हैं, 167 में आ गया, मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। सो अब ये क्या है, इसको समझते हैं, बहुत आसान है। टेकिंग एडवांटेज, एडवांटेज लेना, फायदा उठाना, ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसका फायदा उठाना। जैसे कि अभी रेलवे की वैकेंसी आई है, तो व्हाट यू कैन डू बताओ, एक सिंपल सा सेंटेंस बना के दिखाओ, मेकिंग हे व्हाइल द सन। सो बनाइए, ट्राई करिए। क्या बना आपसे? नहीं बना? चलो मैं बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला, यू हैव गॉट ओनली अ वीक, सो यू हैव टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन। तो मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते हैं, तो फायदा उठा लो भाई, जो भी तुम्हारी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ओके, और भी देख सकते हैं, लाइक सविता मेड इट क्लियर शी वॉज मेकिंग हे व्हाइल द सन शोन। मैंने मेड बोला है तो ऑफकोर्स पास्ट में जाएगा, तो शाइन की जगह मैंने शोन कर दिया बिकॉज शाइन इज अ वर्ब। अब ऑफकोर्स मैंने बोला कि टेंस के हिसाब से जाता है, तो ये शाइन की जगह शोन हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया ना कैसे गया? तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए आगे आते हैं, 168 आ गया, ब्लो वंस ट्रम्फेट। अब ये क्या होता है, अब इसको आप कह सकते हो ईगोइस्ट या टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, सेल्फ सेंटर्ड रहना। इसको ईगोइस्ट के टर्म में भी रख सकते हैं, अगर मैं इसके सिनोनिम की बात कर लूँ ना, तो आप इसको आराम से ईगोइस्ट बना लो, ठीक है? समझ आया? तो ईगोइस्ट मतलब क्या होता है, जो खुद को कंसर्न करता है सबसे ज्यादा, तो टू प्रेज वन सेल्फ। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो करते हैं कि अपनी खुद की तारीफ करते रहते हैं, अच्छा लगता है भाई, दूसरे तो कोई करते हैं नहीं। तो चलिए इसका एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, सविता ऑलवेज ब्लो हर ओन ट्रम्पेट, ठीक है? सविता ऑलवेज ब्लोज हर ओन ट्रम्पेट। ऑफ कोर्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वन लगा है, जब जेंडर स्पेसिफिक है तो मैं हर को यूज कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है? पक्का?
सेंटेंस के साथ मैंने आपको बता दिया, सीपीओ 2010 में आया था। एनी डाउट? श्योर? तो चलो फिर आगे आ जाते हैं। 169 बियर विद। अब व्हाट इज बियर विद? बियर विद मीन सपोर्ट, ठीक है, मतलब किसी का समर्थन करना। टू बी पेशेंट विद समबडी और समथिंग, किसी की चीज के साथ लगे रहना। ओके, सो आई एम बिगरिंग विद यू, तो बियरिंग विद यू मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ झेल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, बात समझ में आ गई? इट्स वेरी इजी, लाइक वेरी इजी, इससे इजी नहीं हो सकते। ये सब दिमाग में रखा करो, एंड बिलीव मी, ये सब ना बैंकिंग एग्जाम में आजकल बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब गलती मत करना, इसको दिमाग में जरूर रख लेना। चलो फिर 170 पे आ जाते हैं। इतना मैं समझा चुका हूँ तुम लोग को, पक्का समझ में आ रहा होगा। 170, गिव वेंट टू, नॉट रेंट टू, ध्यान से समझो। गिव वेंट टू, व्हाट डज इट मीन्स? टू एम्फसाइज, एम्फसाइज मीन्स होता है जोर देना। क्या? जोर देना, ध्यान देना। अब मैंने जब जोर की बात करी दी है, तो जोर कैसे दिया जाता है बताइए? सर जोर को तुम समझ लो कि आपने बोला कि मुझे कार खरीदनी है, पापा ने कहा नहीं खरीदनी है, तो तुमने क्या किया? यू स्टार्टेड गिविंग वेंट टू हिम, ठीक है, तुमने उनको जोर देना शुरू कर दिया, मुझे दिलाओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ये हो, पापा कहेंगे ठीक है मत करो। बात समझ आई? तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ये भी सीपीओ 2010 में आया था। दिस इज वेरी क्लियर, गिव वेंट टू, टू एम्फसाइज होता है इसका मीनिंग। चलिए आगे आते हैं। टर्न आ डीफ ईयर, टर्न आ डीफ ईयर, ये क्या है? इसका मतलब होता है पे नो अटेंशन। तो आप इसको एक सेंटेंस बनाते हैं, समझो, शी ऑलवेज टर्न्स हर डीफ ईयर, ठीक है, बात समझ आ गई? मतलब समझो कि टीचर लेक्चर दे रहा है, आप सुन नहीं रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, आप उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे? टर्न अ डीफ ईयर बोलेंगे, मतलब आपको ये टेंशन पे नहीं कर रहे हो, पापा कुछ बोले हाँ ठीक है, कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, तब आप यूज करेंगे टर्न अ डीफ ईयर। डन? डेफ मत बोलना, कुछ लोग इसे डेफ बोलते हैं, डेफ एंड डम, डेफ एंड डम नहीं होता, डीफ एंड डम होता है। चलिए 172, बोन ऑफ कंटेंशन। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, समझो, होता क्या है, लेट्स से यू आर इन अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड बी अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब वो झगड़े का जड़ होगा। बात समझ में आ गई? सेंटेंस दिया ना, जैसे दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो कोई एक ऐसा जरूर मिल जाता है भाई जो कि कारण बन जाता है झगड़ा होने का। किसी को अपना फायदा उठाना था, किसी को अपना फायदा उठाना होता है, और फिर बीच वाला फंस जाता है, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े का कारण। अब जैसे कि इतने सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो ऑफकोर्स पॉलिटिक्स इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, इज दैट अंडरस्टूड? ध्यान देना इस चीज को, अगर आप थोड़ा टेररिस्ट वगैरह को समझोगे, टेररिज्म को समझोगे, देन यू विल अंडरस्टूड दैट आइडेंटिटी इज नॉट एन इशू, कलर इज नॉट एन इशू, रिलीजन, कास्ट इज नॉट एन इशू, बट द पॉलिटिक्स इज। डन? चलिए आगे आते हैं। 173, स्टैंड ऑन ओन फीट, स्टैंड ऑन ओन फीट, व्हाट डज इट मीन? टू बी इंडिपेंडेंट। क्या? टू बी इंडिपेंडेंट, अब ये क्या होता है, मतलब अपने पैरों में खड़ा हो जाना। बात समझ में आ गई? क्या? अपने पैरों में खड़ा हो जाना, उसे बोलते हैं टू बी इंडिपेंडेंट। सो यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, मैंने यहाँ पे योर लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने यू लगाया था, अब उसके हिसाब से मुझे एडजेक्टिव तो लगाना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जब मैंने बोला यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, मतलब तुम्हें अपने पैरों में खड़े होने की जरूरत है, तो यहाँ पे फीट तो नाउन हो गया, ओन क्या होगा बताओ? क्योंकि योर तो किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही होगा, तो सर ओन एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी? दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते और नाउन भी नहीं आते, तो ओन फीट का ध्यान देना। इस तरीके से समझना होता है हमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नहीं समझते हैं देन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए आगे आ जाते हैं हम, 174 में आ चुके हैं। ठीक है, ये रहा 174, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये रिपीट कर रहा है, आपको बता देता हूँ। एंड स्टार्ट का मतलब होता है इररेगुलरली, मतलब आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन आप उसमें रेगुलर जितने आर देने हैं वो नहीं दे रहे, आप उस प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसको हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट के कंसर्न में रखेंगे। इस चीज को अपने दिमाग में प्लीज बिठा लीजिए, अदरवाइज संघर्ष बढ़ जाएगा, समझ नहीं आएगा, नंबर चले जाएंगे। ठीक है, आप इररेगुलरली को भी बोल सकते हो, लिख अगर आपको बोलना है, सो जैसे बोलते हैं ना रेगुलरली शी कम्स, और शी कम्स रेगुलरली, शी कम्स इररेगुलरली, इस तरह से हुआ। सो शी परफॉर्म्स हर टास्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इट इज वेरी इजी। अब यहाँ पे एक चीज को समझो,
मैंने यहाँ पे फिट्स बोला तो यहाँ पे स्टार्ट्स बोला, मतलब कहने का कि इसको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे फिट एंड स्टार्ट नहीं बोलना है भाई, फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलना है। प्लीज रिमेम्बर सर एंड मैम, डन दैट। चलिए आगे आते हैं। 175 ओवर हेड एंड ईयर्स, अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से जब बात करी जाए तब हम इसको यूज करते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स। जैसे कि अगर आपका कोर्स हो गया है तो आप उसको बोल सकते हो ओवर हेड एंड ईयर्स, आपका एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो आप उसके लिए ओवर हेड एंड ईयर्स बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझ में आ गई होगी अब तक, ये जो idioms होते हैं ना, they add stars to your writing and spoken English. Actually, it's not very important to use them in your writing and of course spoken English, but it adds stars. मतलब आपकी जो एक लिखावट होती है, जो बोलचाल होती है, उसको और एक अच्छा बना देती है, थोड़ा आप पढ़े लिखे लगने लगते हो, इंटेलेक्चुअल लगने लगते हो when you use idioms. So, इन सब चीजों को ध्यान देना है, that is why we should use idioms. Is that understood? Just for the sake of show off, I would say. चलिए हम आगे आते हैं, मजाक चलता रहेगा बट ये भी एक होता है। 176 में आ चुके हैं। सो टू कॉल इट अ डे, व्हाट डज इट मीन टू कॉल इट अ डे? टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, ठीक है ना? तो आप इसको समझ सकते हो, कंक्लूड करना मतलब सब कुछ कलेक्ट किया, आप उसे इकट्ठा कर रहे हो, प्रोसीडिंग्स लगा है, प्रोसीडिंग नहीं लगा है। तो प्रोसीडिंग मीन्स क्या हो जाएगा? कोई काम हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? कोई काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एस लगा है, और अगर आपने नाउन पढ़ा है, स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन अगर आपने पढ़ा है, तो आपने वहां पे प्रोसीडिंग्स जरूर सुना होगा। कोई मुझे इसका हिंदी मीनिंग बताएगा क्या? कोई भी बता दे, कोई भी चलेगा, बताइए। जैसे मैंने बताया ना, कोई काम, तो सीधी सी बात है, प्योर हो जाएगा, आपका कार्यवाही कर सकते हो, कार्यक्रम बोल सकते हो, आप इसको सभा भी बोल सकते हो, ठीक है ना? तो कंक्लूड करना अब लगा है, तो मतलब अब लास्ट में आपने जो बता दिया उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सीजीएल टायर वन 2011 में आया था, कुछ लोग इसे टीयर वन बोलते हैं, ध्यान देना टायर वन होता है, TIER, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे आते हैं। टू पुट अप विद, व्हाट डज इट मीन? ये फ्रेज है, सो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट विद। आई डोंट वॉन्ट टू पुट अप विद यू, ठीक है? सो मतलब मैं तुम्हें भाई टॉलरेट नहीं करना चाहता हूँ। होता नहीं है भाई, परेशान कर रहे होते हैं लोग, बड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है, चीजों को समझना नहीं है, और बार बार पिंच करते रहना है। लाइक पॉलिटिशियंस डोंट स्टॉप टू पुट अप विथ, ओके? इट्स वेरी इजी, ऑन द स्पॉट बनाओ, जैसे मैं बनाता हूँ, ऑन द स्पॉट बनाओ। सी, मैं इंप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाता, सीधी सी बात है, मेरे को वो कोई फंडा नहीं है कि आए अच्छे से तैयार कर लिए बता दिया, अच्छे से तैयार है, बट सेंटेंस अगर ऑन द स्पॉट दे रहा हूँ, आपके पास वो चीज पहुंचती है कि हाँ ऐसा बनता है। सोचो अगर मेरे जैसा बंदा पढ़ाने वाला, इतने सालों से पढ़ा रहा है, अगर वो भी कुछ चीजों पे अटकता है, अटकता मतलब कहने का है कि ऑन द स्पॉट में प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली मैंने ये क्यों करता हूँ, इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कि जब हम ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, हमसे बनता नहीं, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एंड वी नेवर ट्राई, ऑफ कोर्स वी एंड अप लूजिंग मार्क्स, डन दैट। सो वी हैव टू यूज देम ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। सो टू टॉलरेट होता है, टॉलरेट मीन्स आपको पता ही कि झेलना। 178 में आ चुके हैं। टू फेस द म्यूजिक, तो मतलब इसका ये नहीं कि आप EDM जा करके सुन रहे हो और आपने कान लगा लिया, आप डीजे में चले गए या डीजे फ्लोर में चले गए तो आपने कान लगा लिया, तो आपको फेस करना पड़ रहा है। टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना? मतलब आपको जो परिणाम है वो झेलने पड़ेंगे। बट कौन से परिणाम? सर गलत परिणाम, जैसे इफ यू डोंट स्टडी वेल यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब फेल हो जाओगे, यही तो होगा ना भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल ही तो होगे, सीधी सी बात है। और जब फेल हो जाओगे तो घर वाले क्या कहेंगे? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, घर आ जाओ, ठीक है? तो सीजीएल टायर वन 2011 में आया था, सेंटेंस आपको बताया, मीनिंग भी आपको बता दी, तो दिमाग में रखना है, इसी तरीके से सीखना है। चलिए मैं आपको ना कुछ टिप्स देता हूँ यहाँ पे। सीरियसली अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप कुछ चीजों को समझ लो, एक आर, दूसरा डब्लू एंड तीसरा एल, ठीक है? सो आपको क्या करना है? आर डब्ल्यू एल याद रखना है, ओके? तो ये आर हो गया, ये डब्ल्यू हो गया और ये एल हो गया। अब ये क्या होता है समझो, आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर वॉच, एल फॉर लिसनिंग। अगर आप ये तीन चीजें फॉलो करोगे तो आप 3 से 4 महीने में एक इस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां से आपको इंग्लिश टफ नहीं लगेगी, बिकॉज व्हेन यू रीड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ओके? देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। व्हेन यू वॉच,
योर प्रेजेंटेशन स्किल विल बी इम्प्रूव्ड बाय द टाइम. तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, योर स्पोकन इंग्लिश वुड बी एट सम लेवल, लाइक यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ यूजेस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल लर्न द प्रोनाउंसिएशन. अगर आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हो देन ऑफकोर्स आपकी स्पेलिंग एरर सही होती है. एंड द लास्ट थिंग इज लिसनिंग, बिकॉज अब आपने हिंदी भी सीखी है तो वो इसलिए सीखी है क्योंकि आपके घर में बोली जाती थी. अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती होती तो आप पंजाबी सीख जाते. अगर आपके घर में गुजराती से बोली जाती हो तो आप गुजराती सीख जाते. मराठी बोली जाती तो आप मराठी सीख जाते. या सिंपल सी समझो कि यूएसए का बंदा इंग्लिश बोलता है, उसका कुत्ता भी इंग्लिश ही समझेगा. क्यों? क्योंकि वो हमेशा उस माहौल में रहा है. तो ये चीजें ध्यान रखना, RWL को हमेशा याद रखना है. अगर आप RWL ध्यान दोगे, आपके लिए इंग्लिश इतनी बड़ी समस्या नहीं बनेगी. चलिए आगे आ जाते हैं. 179 में यमन सर्विस, समझिए, यमन नहीं, यमन सर्विस. व्हाट डज इट मीन? सोशल वर्क, ठीक है ना, मतलब समाज सेवा, उसके लिए बोलते हैं. सो ही इज ऑलवेज बिजी इन प्रोवाइडिंग यमन सर्विस. तो वह अपने सोशल वर्क में या सोशल वर्क प्रोवाइड करने में हमेशा बिजी रहता है. ठीक है, तो यमन सर्विस, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मतलब बहुत अच्छा काम, सोशल सर्विस, समाज सेवा हम इसके लिए यूज करते हैं. एनी डाउट सर एंड मैम? पक्का. चलिए 180 पे आते हैं. टू टेक टू हार्ट्स, टू टेक टू हार्ट्स, व्हाट डज इट मीन? टू टू ग्रीव ओवर. ओके, अच्छा जी बताइए फिर ग्रीव क्या होता है. अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, मैं एक बात बताता हूँ, मैं फर्जी की बात नहीं करता किसी से, सिंपल सी बात है. मेरे पहले वीडियो में मैंने बोला था पूरे वीडियोस देखना, पूरे वीडियोस देखोगे एक एक वर्ड आएगा. बहुत ही सोच समझ के वर्ड्स रख रहा हूँ. अगर आप मेरे सिनोनिम्स देखोगे ना, चार चार पांच पांच सिनोनिम्स रखे हैं मैंने एक एक स्लाइड में. रीजन टू मेक यू लर्न मोर एंड टू सेव योर टाइम, दिस इज माई अल्टीमेट गोल. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस आए वीडियो देखा चल लिया, इसी में 50-50 वीडियो नहीं बना रहा हूँ. सो ग्रीव मीन्स बेसिकली होता है शोक मनाना. ठीक है, अब मैंने जैसे बोला तो शोक मनाना हो गया, आप कह सकते हो कि शोक पहुंचाना भी होता है और दुखना भी होता है. ठीक है ना, सो टू ग्रीव ओवर इसका मीनिंग होता है टू टेक टू हार्ट, दिल में ले लेना, बुरा मान जाना, उस सेंस में लेते हैं. ठीक है ना, शोक का मनाओगे भाई, तुम्हें कुछ बुरा लगेगा, अगर किसी की डेथ हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, तो हम करते हैं. ठीक है ना, सो वी टेक टू हार्ट, डन दैट. चलिए, अच्छा आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, वी ऑलवेज टेक दीज थिंग्स टू हार्ट्स, डन. और हार्ट्स होता है, हार्ट नहीं होता है. और इसको हर्ट मत बोला करो, काफी लोग इसको हर्ट बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे ये कैसे वो कैसे ना, इसीलिए हमें सुनना होता है सही से. 181 टू स्मेल अ रैट. ओके, तो कहते नहीं है कि मुझे कुछ जले की खुशबू आ रही है ना, मतलब टू बी सस्पिशियस, मतलब शंका है, तुम डाउट में हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसने ऐसा क्यों किया. जैसे बच्चों को देख लो कि अगर बच्चों ने कुछ निकाल लिया होता है तो एक्ट करने लगता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लाइक दे एक्ट लाइक, तो वही पे पकड़ जाते हैं कि इन्होंने ही किया होता है. ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर किड्स सो वी नेवर डू एनीथिंग टू देम, बट वी स्मेल द रैट, देन दैट वी स्मेल द रैट. एनी डाउट? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का भाई, वीडियो लाइक करते चलो. एंड टेलीग्राम चैनल जो कि आप लोगों के लिए चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो. कंटेंट पूरा का पूरा वहीं मिलेगा, और जब कंटेंट मिलेगा तो सीखोगे भी बहुत ज्यादा. ठीक है, पक्का. चलो फिर आगे आ जाए. अब हम 182 में आ चुके हैं. 182 में क्या है इसको समझ लेते हैं. सो टू मूव हेवन एंड अर्थ. अब ये क्या होता है? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल. आप ऐसा बोलिए, आई मूव हेवन एंड अर्थ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉसिबल था मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया. डन. आई मूव हेवन एंड अर्थ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट्स वेरी इजी. ओके, अब मैंने मूव की जगह मूव्ड किया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. टेंस के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे शी बोलता तो भी मूव्ड होता, बट अगर मैं प्रेजेंट में बोलूंगा तो ये मूव्स हो जाएगा, बिकॉज ही के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर फॉर्म में हम हमेशा एस या ईएस यूज करते हैं वर्ब के साथ. बात समझ में आ गई? सीजीएल टायर 1 2011 में आया था, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा. चलिए हम 183 में आ चुके हैं. 183, टू टेक समवन फॉर अ राइड. व्हाट डज इट मीन? इट मींस टू डिसीव समवन और चीट समवन. अब डिसीव का मतलब तुम समझ गए होगे, धोखा. ठीक है ना, सो टू टेक समवन फॉर अ राइड बोल सकते हैं. शी टेक्स यू फॉर अ राइड, तो वो भाई तुम्हें चीट करता है.
समझो, आप ऐसा ही बोल सकते हो, शी ऑलवेज डिसीव्स यू, ठीक है, शी टेक्स यू फॉर अ राइड, ये ऐसे भी आप बोल सकते हो, बोल तरीका थोड़ा सा अलग है बट मीनिंग दोनों का सेम है। तो आप ऐसे यूज किया करिए, सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, कुछ सेंटेंस खुद से भी बनाने की कोशिश किया करो, और दूसरा प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको मिले उनको सॉल्व भी करिए, कोई डाउट है आप कमेंट कर दिया करिए, हम वहां पे भी आपको आंसर देंगे। चलिए अब आगे आते हैं, 184 में आ चुके हैं, इन कोल्ड ब्लड सो नॉट इंटेंशनल एक्साइटेडली, ऊपर भी एक ब्लड कोल्ड जैसा कुछ आया था तो वैसा मीनिंग नहीं है, कंफ्यूज मत करना बिकॉज एग्जामिनर ऐसी चीजें देता है। सो इन कोल्ड ब्लड इट मीन्स नॉट इंटेंशनली, सो शी वॉज इन कोल्ड ब्लड, ठीक है, मतलब शी हैज डन दिस बट शी वॉज इन कोल्ड ब्लड, मतलब उसने किया तो है बट भाई उसका इंटेंशनल नहीं था, हो गया, मतलब गलती से हो गया, अनइंटेंशनली चीजें हो जाती हैं, कई बार होता है ना भाई, पसंद नहीं कर पा रहे होते किसी को, दिल टूट जाता है उसका, लाइक ऐसी चीजें होती हैं। आई गिव यू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल बिकॉज वी रिलेट, हमें ये चीजें दिमाग में बैठती हैं, दैट इज वाई, ऐसे ही पढ़ाई होती है, मजे से पढ़ाई करोगे सीख जाओगे, अगर वही फर्जी की बातें चलाओगे दिमाग में, मुझे टफ बनना है, मुझे हिंदू जैसा करना है, तो भाई पहले एक क्लास 6-7 के लेवल पे आ जाओ, फिर हिंदू के लेवल पे भी आ जाएंगे, किसने मना किया है, ठीक है। चलिए अब हम आ रहे हैं 185 में, सो 185 क्या है देखते हैं, अ डैम स्क्विब, साथ में बोलिए, अ डैम स्क्विब, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, क्या, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, सीजल टायरवन 2011 में आया था, अ डैम स्क्विब, सो एक ऐसा रिजल्ट जो आपको डिसअपॉइंट करे, लेट्स से यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू वर श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक एसएससी सीजल 2017 बट इट वाज अ डैम स्क्विब, ठीक है, तो क्या हुआ, एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा, डन दैट का, अब वहां का तो भाई अभी हियरिंग ही नहीं हो पा रही, 2 साल तक हो रहे हैं, तो भगवान बचाए इन लोगों से, बट फिर भी हमने तो यूज करना सीखना है और हमने इसको यूज कर लिया है। एनी डाउट, पक्का समझ में आ गया है, चलिए हम आगे आ जाते हैं, 186 में आ रहे हैं, देखिए कितनी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं और कैसे कैसे सीख रहे हैं, आगे आते हैं, टू बाइट द डस्ट, अब सीधी सी बात है कि मतलब धूल चटा दी उसको मैंने, मैंने उसको हरा दिया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सो टू बी डिफीटेड, ठीक है, सो ही बिट द डस्ट, बिकॉज बाइट की बिट होता है, ठीक है ना, तो उसको धूल चटा दी गई, ठीक है, उसने धूल चाट ली, ऐसा भी बोला था, अब डिफीटेड लगा है तो क्या, डिफीटेड क्या होता है बताओ, वो अभी होगा था, सीधी सी बात अभी लगा था, इसके बाद ये एज अ वो अब काम कर रहा है, ओके, और भी चीजें होती हैं जैसे फीलिंग डिफीटेड तो फिर वो पे एडजेक्टिव बन जाएगा, बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल होता है, इस वजह से वहां पे वो एडजेक्टिव बनेगा, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ही काम करते हैं, जैसे ब्रोकन विंडो होता है, भाई विंडो इज अ नाउन तो फिर ब्रोकन क्या होगा, सीधी सी बात है ना, ब्रोकन वहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा बिकॉज वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सो दिस इज 186। चलिए 187 पे आते हैं, टू टेक टू वंस हील, टू रन अवे, भाग जाना, ठीक है, भाग जाना किससे, किसी सिचुएशन से भाग जाना, किसी गलती से भाग जाना, किसी समस्या से भाग जाना, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, एनी डाउट, पक्का कुछ हो तो बता दो, कमेंट कर दो, जुड़ जाओ हमारे साथ, वहां पे हम जरूर डिस्कस करेंगे इसको, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, वहां पे हो तो बताओ, सोच लो, पक्का मैं आगे आ जाऊं, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है तो फिर आगे आ जाते हैं, 188, टू बी ऑल एट सी, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, सो आई वॉज ऑल एट सी, बी लगा है, इज एम आर दिखाएगा, सिंपल सी बात है, वर्ब लगा है, यूजेस समझते जाओ, वर्ब लगा है, सो आई वॉज ऑल एट सी मतलब आई वॉज कंफ्यूज, आई वॉज लॉस्ट, तो मैंने एक साथ बता दिया इसको, तो मतलब आप कंफ्यूज हो, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर आई शुड ऑप्ट माइथोलॉजी और आई शुड ऑप्ट साइकोलॉजी, यू यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो कि भाई क्या अच्छा है, लेट्स से यू वांट टू ऑप्ट इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी बट यू आर गुड एट कॉमर्स सो यू शुड गो फॉर कॉमर्स, बट व्हेन यू सी द सिलेबस दैट वाज सो ह्यूज, ऑफ कोर्स आप वहां पे जाना पसंद नहीं करोगे, वहां पे चूज करोगे, तो एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू विल बी एट यू विल बी ऑल एट सी, इज दैट अंडरस्टूड, एनी डाउट, श्योर,
आगे आ जाओ, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? चलिए वीडियो तो लाइक कर दो। चलिए आगे आते हैं, 190 आ गया कोल्ड कंफर्ट, ये क्या है? स्लाइट सेटिस्फेक्शन। सर कोल्ड लग जाए ना तो मेरे से मतलब ना कुछ ठंडे जैसा है, मतलब अभी कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा हूँ वहां पे, समझिएगा। सो स्लाइट सेटिस्फेक्शन, स्लाइट मतलब थोड़ा बहुत है, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि। तो इट इट वॉज लाइक अ कोल्ड कंफर्ट टू स्टे इन फाइव स्टार होटल, बता दिया। सपोज करो, कहते नहीं है लाइक नाम बड़े और दर्शन छोटे, आप गए अपने फाइव स्टार होटल, होटल ताज में गए, तो मिनिमम जो वहाँ पे एक किराया है एक रात का कुछ 25,000-30,000 है। अब वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिली तो क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स स्टेइंग इन फाइव स्टार होटल और स्टेइंग इन होटल ताज वाज कोल्ड कंफर्ट फॉर मी, तो मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन था। आगे आते हैं 191। 191 में आपके सामने रहा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए ब्लू आ जाए तो समझ लेना कुछ एक ऐसी चीज है जो अक्सर नहीं होती है, जैसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, आपने सुना होगा, तो मतलब कभी कभार, चौदहवीं का चांद जैसा। सो एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट, एक ऐसा मतलब जो उसको आपने सोचा नहीं है, उम्मीद नहीं करी थी वैसा, और अनप्लीजेंट मतलब प्रतिकूल, मतलब जो सुख ना दे जो दुख दे वैसा इवेंट हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, मतलब आप सपोज करो कि अगेन आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि रिजल्ट नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अनएक्सपेक्टेड था, आपने मेहनत बहुत करी थी और ऑफ कोर्स प्रतिकूल था, दुख देने वाला ये एक इवेंट था, बिकॉज आप फेल हो गए, तो आपने उस जगह पे क्या यूज किया? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, प्लीज मेक अ सेंटेंस एंड कमेंट। 192 पे आ चुके हैं, सर एंड मैम जुड़े रहिए 192 टू फीदर वंस नेस्ट। सो ये क्या होता है? टू मेक वन सेल्फ रिच। ठीक है, टू मेक वन सेल्फ रिच मतलब खुद को अमीर बनाना इन पोजीशन और इन मॉनेटरी टर्म। तो मतलब जैसा जस्ट इमेजिन यू आर अ मिनिस्टर और यू आर एमपी। ओके, अब व्हाट विल यू डू? ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ रिच, तुम खुद को अमीर बनाना शुरू कर दोगे। तो आप आराम से एक सेंटेंस बना, तो अब इसके साथ मैंने एक सेंटेंस बनाया है फीदर वंस नेस्ट के साथ। अब आप एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपने पोजीशन का फायदा उठाना। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिव हो कि आप करप्ट ही हैं, आप करप्शन ही कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी अच्छी पोजीशन पे आ गए हो, तो आप ऑफकोर्स उसकी वजह से आप अपने आपको अमीर बना पा रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप आपको खुद को अमीर बना पा रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। ठीक है, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, मैं लगातार कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट तो बोलता रहता हूँ और आप लोग खुद ही नहीं पूछते हो कि भाई ऐसा क्या है। सर कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है ना संदर्भ, प्रसंग। ठीक है ना, संदर्भ क्या है इसका, बचपन में बोला ना संदर्भ कह रहा है, इस कवि के हिसाब से ऐसा वैसा होता था। 193 टू टू डाई इन हार्नेस, तो इसको एक बहुत अच्छा समझा जाता है, आप इसको समझ लो। आप ऐसा बोल सकते हो कि शाहरुख खान वॉन्ट्स टू डाई इन हार्नेस, मतलब उनका कहना है कि आई वॉन्ट टू डाई वन आई एम एक्टिंग। ठीक है ना, मैं मरना चाहता हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, व्हेन आई एम फेसिंग द कैमरा। सो यू कैन यूज शाहरुख खान वॉन्ट्स टू डाई इन हार्नेस, मतलब हार्नेस का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि भाई गरीबी में मरना चाहता है, हार्नेस का मतलब ये है कि भाई जब वो अपना काम कर रहा है, अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहा है, तब वो मर जाए तब हम यूज करते हैं टू डाई इन हार्नेस। इज दैट अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? श्योर? मतलब आप टीचिंग करते हो, आई लव टीचिंग, ऑन अ सीरियस नोट आई लव टीचिंग, आई कैन डू इट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। सो आई वॉन्ट टू डाई इन हार्नेस, समझे? मतलब वाइल आई एम टीचिंग आई वॉन्ट टू डाई, मतलब उसी तरह तो मेरी सबसे अच्छी मौत होगी। खैर मैं हम जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ सेंटेंस, इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे आते हैं, 194 पे आ चुके हैं। सो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अब समझो पहली चीज तो शो, तो यहाँ दिखाने की बात हो गई, देन क्लीन पेयर मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा जब भी आ जाए तो भैया दाल में कुछ काला है। सो टू स्केप और रन अवे मतलब भागना छुपना, स्केप मूवी भी आई थी सिल्वेस्टर स्टालोन की, एंड ही इज नो मोर, ऑफ कोर्स ही इज नॉट माय फेवरेट एक्टर बट यस ही इज नो मोर। सो रन अवे भाग जाना, छिप कर भाग जाना, आप आराम से इसको यूज करिए। सो सिल्वेस्टर स्टालोन शोज अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स व्हाइल ही वाज इन जेल, इट्स वेरी इजी, जस्ट मेक अ सेंटेंस, बिलीव मी आप बहुत तेजी से सीखोगे। आप ऐसा अपने ब्रेन को ट्रेंड करो, ऐसे ट्रेंड करो जैसा मैथ्स में करते हो, इसी तरीके से ट्रेंड करो,
आप मतलब मजे आ जाएंगे, मतलब ऐसे जगह पे पहुंचोगे ना सोच भी नहीं सकते हो। हम आगे आते हैं, 195 में आ चुके हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट। ठीक है, सो ही फ्लॉग्ड अ डेड हॉर्स, ठीक है ना, उसने एफर्ट वेस्ट कर दिया। ठीक है, और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ही फ्लॉग्ड हिज डेड हॉर्स, ठीक है ना, उसने खुद का एफर्ट खत्म कर दिया। आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे अगर आपको ग्रामर समझाऊं ना, हॉर्स इज अ नाउन, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी आर्टिकल लगा है, सीधी सी बात है, एडजेक्टिव बनेगा, आर्टिकल नाउन के लिए लगेगा। फ्लॉग यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन रिलेशन नाउन और प्रोनाउन का पता है, बट यहाँ पे जो काम करना है वो एज अ वर्ब काम कर रहा है। कैसे बता रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, आई रीड अलॉट, आई लव रीडिंग, आई रीड मल्टीपल बुक्स, आई रीड न्यूज पेपर, आई डू मैनी मोस्ट थिंग जस्ट टू इनहेंस माई स्किल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आके आते हैं 196 में, वीडियो के अंतिम छड़ों में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करते चलो, दोस्तों के साथ शेयर करते चलो, और एक नया आइडिया मेरे साथ सीख लो, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अब ये क्या होता है, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मतलब पूरी जी जान लगा देना। ठीक है ना, ही इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू क्रैक दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। समझ आया, मतलब पूरी जान लगा दी है, 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे, सिर्फ पढ़ाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। आप वहां पे यूज करोगे टू स्ट्रेन एवरी नर्व, बात समझ में आ गई, मतलब अब कुछ नहीं है, मतलब आई एम कंप्लीटली डिटरमाइंड दैट आई वॉन्ट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दैट्स इट, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट, मतलब पूरी जान लगा दी आपने वहां पे, इसको यूज कर लिया। चलिए 197 पे आ चुके हैं, अ बोल्ट फॉर्म द ब्लू, नॉट फ्रॉम, अ बोल्ट फॉर्म द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब ऐसा समझ लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपकी लाइफ से बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते क्या सीन हुआ कि आप के पैसे खत्म हो गए और आपको बहुत जरूरत है, आपके पास पैसे थे, खत्म हो गए, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गया, पैसा ही पड़ा, आपका एक्सीडेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना, सो इस तरह की कोई चीज हो, मतलब आपने सोचा नहीं था और वैसी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम यूज करते हैं क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एनी डाउट, श्योर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, पक्का नहीं है ना, पक्का, चलो आ जाओ, कमेंट जरूर करते चला करो भाई, शेयर कर दिया करो जब पढ़ते हो ना, इट विल टेक ओनली 10 सेकेंड एंड थ्री थ्री क्लिक टू शेयर दिस वीडियो, सो शेयर ऑन सोशल मीडिया लाइक इन योर व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम, वेर एवर यू आर। सो 198, सेलिंग इन द सेम बोट। अब सेल मीन्स क्या होता है, आपने गाना सुना होगा, सिंध बन द सेलर, जहाज में जब चला, सुना है, रॉक ऑन का गाना है। सो सेलर सेलिंग मतलब ऑफ कोर्स नौका चलाना, नाव चलाना, इन द सेम बोट, और एक ही बोट में, तो अब यहाँ पे चलाना या फिर सेल करना मतलब आप एक ही बोट में जा रहे हो, सो बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको यूज किया जाता है। कहते नहीं है भाई हम लोग अभी एक ही जगह पे खड़े हैं, होता है ना, ये हम एक ही पोजीशन पे हैं, दोनों गरीब हैं, दोनों के पास जॉब नहीं है, दोनों के पास पैसे नहीं है, सो बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, और ये सिचुएशन कैसी है, डिफिकल्ट है, ठीक है ना, ईज नहीं है, इज दैट अंडरस्टूड, सो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। और ऐसा वैसा भी बोलो, व्हेन वी वर इन आवर 30s वी वर सेलिंग इन द सेम बोट, राइट नाउ वी आर फिल दे रिच, दैट इज वाई वी आर एबल टू कॉन्कर दीज थिंग, वी आर एबल टू अक्वायर दीज प्रॉपर्टीज। आपके सामने देख रहे हो किस तरीके से सेंटेंस बनाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए सर, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और आगे देख लेते हैं हम। 199 आपके सामने, ये रहा गिफ्ट टू द गैप। ये क्या होता है, एबिलिटी टू स्पीक वेल, आप इसको बोलिए, ही वॉज गिफ्टेड ऑफ द गैप, मतलब उसको एक गिफ्ट मिला है, उसके पास एक एबिलिटी है अच्छे से बोलने की, ठीक है, अच्छे से बोलने की, कुछ कहने की उसके पास एबिलिटी है, तो आप बोल सकते हो ही वॉज गिफ्टेड ऑफ द गैप। 199 है ये, तो दिमाग में रखना है, आपको एक बोलने की कला आती है, आप अच्छे से बोल पाते हो, आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप लोगों को ग्रैप कर पाते हो, उनकी अटेंशन ग्रैप कर पाते हो, आप वहां पे यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, पक्का। चलिए अब हम इस वीडियो के लास्ट इडियम में आए हैं, अब देखते हैं 200 क्या है, 200 इडियम, जस्ट इमेजिन कितना कुछ सीख रहे हो। सो 200 आया, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, एस्केप स्टारवेशन। ओके, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि भाई स्टारवेशन होता क्या है,
उसके बाद आगे की कहानी आएगी। तो होते थे भुखमरी। अब एस्केप मीन्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले बताया एस्केप क्या होता है। एस्केप मीन्स होता है भाग जाना, बच निकलना, बाहर निकलना, ठीक है ना। तो भुखमरी से बाहर निकलना, इसको हम यूज करते हैं टू कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर। सीपीओ 2011 में आया था ये। तो सरन मैम, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स जुड़े रहने के लिए। अब अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि स्टडी फॉर एग्जाम में एक पूरी वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम 2 दिन में ग्रामर सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को सीखने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।